दोस्तों, कैसे हैं? आज जो अपडेट लेके आया था वो आया था बैंक निफ्टी पे। अपडेट लेकर के आया था बैंक निफ्टी में, थोड़ा सा एक निगेटिव पैटर्न बन, बेरिश पैटर्न बन रहा है, तो सोचा आपको अपडेट कर दूं। ये 18 अप्रैल की क्लोजिंग है, ओपन 36656 पे होता, 36669 का हाई लगाता है, 30142 का लो लगाता है, लास्ट 30223 पे क्लोजिंग देता है, 307 पॉइंट का निगेटिव रिटर्न, एक वन डे का 1.01 निगेटिव, 365 में 20% का रिटर्न और 30 डेज का रिटर्न 1.53। अभी आप देखेंगे एक्सिस बैंक, आरबीएल, एचडीएफसी, एसएससीबी, कोटक बैंक और एचडीएफसी अपने 52 वीक हाई के नियरेस्ट है, और जो नहीं है वो यस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसलैंड, पीएनबी और एसबीआई। एसबीआई दो चार बार टच करके फिर नीचे की ओर चला गया है। यस बैंक ने अपॉर्चुनिटी अच्छी की और बैंक बड़ौदा भी नीचे की ओर जाएगा, अच्छी बैंक अपॉर्चुनिटी रहेगी। और एक्सिस बैंक में आप हर समय रिटर्न पॉजिटिव रहता है, तो एक्सिस बैंक में पोजिशन आप देख सकते हैं। अगर मैं बैंक चार्ट पे बोलूँ कि ये क्या कर रहा है, तो बैंक देखेंगे डेली बेसिस पे इसने जो क्या किया है कि इसने अपने इस सपोर्ट को रोक, लास्ट क्लोजिंग बेसिस पे इसने 30108 के सपोर्ट को रोक लिया है और 30223 पे क्लोजिंग दिया है। तो कहीं ना कहीं ये इसने 30108 की क्लोजिंग जो इसका 9 डेज का डेमा है, इसने जो क्लोजिंग लिया है और उसमें वहाँ पर जा करके रुका है 30108 पे, तो इसने 9 डेज के डेमा पर रुक गया है। अगर 21 दिन का इसका डेमा देखें तो 29785 होता है डेली बेसिस पे, और इससे नीचे जाते हैं तो 28 सीधा 29 से जा रहा जाता है। बट आवरली बेसिस पे इसको जब जा करके चेक करते हैं तो कहीं ना कहीं ये पहला सपोर्ट जो इसको आवरली बेसिस पे बताता है 30153 का बताता है और फिर 30,000 का बताता है। मीन्स किसी ना किसी कीमत पर 30,000 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है, वहाँ से टूटता है तो 29800 की ओर जाते हुए दिखेगा, और 29800 टूटता है तो 29500 की ओर जाते हुए आपको दिख सकता है। ऊपर की ओर आप चाहें तो 30350 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर 30350 क्रॉस करने की कोशिश करता है तो 500, और 500 क्रॉस करता है तो 750, 750 क्रॉस करता है तो 900, ऐसे 200 पॉइंट का ऊपर लेते हुए जा सकता है, 30900 तक जा सकता है। बट अभी नहीं जाएगा क्योंकि अभी थोड़ा सा इस पर रेस्ट्रिक्शन है। इससे कहीं अच्छा निफ्टी का पैटर्न है, जो कि आप चाहे तो बैंक निफ्टी को शॉर्ट और निफ्टी को लॉन्ग कर सकते हैं। निफ्टी में 12,000 की ओर जाते हुए दिखता है, बट बैंक निफ्टी में थोड़ा प्रेशर देखने को मिलेगा। अगर मैं इसी को डेरिवेटिव पे देखने की कोशिश करूं तो 18 अप्रैल की एक्सपायरी देखो, 30223 पे क्लोजिंग हुआ है, ये पुट है, ये कॉल है। तो 30223 एट द मनी जाकर के देखो तो 30200 पे देखेंगे आप, यहाँ पे 74,000 से शॉर्ट किया जा रहा है, शॉर्ट की पोजिशन राइटिंग की जा रही है और 1,60,000 का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है। वहीं पुट की ओर देखेंगे तो 2,28,000 से आपके ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो रहा है, 6,75,000 का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है। तो 30200 पिछले ये 30200 से ऊपर जाकर के यहाँ पे आपको क्लोजिंग 30223 की ओर क्लोजिंग देते हुए आपको दिखा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं इसको अच्छा खासा सपोर्ट 30200 पे और फिर 30,000 पे है। तो 30,000 का एक अच्छा लेवल है, 6,11,000 का ओपन इंटरेस्ट है, और 30,000 अगर टूटता है तो फिर ये आपको जो सपोर्ट मिलेगा 29500 की ओर जाते हुए आपको मिलेगा। 29800 पे भी देखेंगे 1,78,000 का है, लेकिन 29500 पे देखेंगे तो 2,27,000 का है। उधर यहाँ पे जहाँ देखेंगे अनवाइंडिंग पोजीशन बन रही है, 30,000 से नीचे की अनवाइंडिंग पोजीशन बन रही है, और यहाँ पे आप 30,300 पे भी अनवाइंड पोजीशन बन रही है, 30,400 पे, 30,500 पे भी। तो कहीं ना कहीं जो ये शॉर्ट किए होते हैं अब ये पोजीशन में बाइंग करके जो शॉर्ट पोजीशन है उसको हंटर निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, जो पहले शॉर्ट करके इसको बैठे हुए थे वो अब बाइंग मोड में जा रहे हैं। तो जो भी पोजीशन उसे बुक कर रहे हैं, पहले जो वो सोचे थे उस समय तेजी की पोजीशन रहेगी तो नीचे की ओर नहीं जाएगा, अब थोड़ा सा इससे दिख रहा है यहाँ से अनवाइंड करके ये नीचे की ओर 30200 30100 की ओर पोजीशन बना रहे हैं। और 30200 30100 पे दोनों पे आप देखेंगे 256,000 की बाइंग, 2,28,000 की बाइंग हुई है। तो कहीं ना कहीं अब इनको थोड़ा सा मंदी का असर दिख रहा है, इसलिए ये ऊपर नहीं जा करके नीचे की ओर जा रहे हैं। और यहीं पे देखिए आप उल्टा देखिए, या कॉल पे देखेंगे नीचे की ओर अनवाइंड हो रहा है और ऊपर की ओर शॉर्टिंग पोजीशन चल गई है, इनफैक्ट 30900 तक शॉर्ट कर रही है, और 1,42,000 से 30900 पे अच्छा खासा आपको 30600 पे देखिए 7,13,000 और 9,07,000 से 30500 पे क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट 12,71,000। ये बहुत ही अच्छा है, अच्छा खासा पोजीशन 18 अप्रैल को जो एक्सपायरी हुआ उसमें हुआ। अब अगर एक बार 25 अप्रैल को जाकर के देखें तो 25 अप्रैल में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, सेम चीज़ देखने को, यही जो कल एक्सपायरी हुई 18 अप्रैल को, अब 25 अप्रैल की एक्सपायरी देखें जो कि 30223 पे है,
तो सेम पोजीशन आपको अभी भी कंटिन्यू देखते हुए मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे 30,500 पे तो 861,000 का ओपन इंटरेस्ट है, और ऊपर की ओर आप देखेंगे यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बन रहा है, हर लेवल पे बन रहा है यहाँ पे कॉल पे। और पुट पे देखेंगे नीचे से थोड़ा थोड़ा अनवाइंड हो रहा है और ये नीचे की ओर शिफ्ट हो रहा है, 30,280,000 30,100 पे, 30,000 पे थोड़ा अनवाइंड है, फिर 29,800 पे, 29,800 पे देखेंगे तो 103,000 से ओपन इंटरेस्ट वहाँ पे। आप चार्ट पे भी 29,800 का सपोर्ट देखिए, क्योंकि 52 वीक का डेमो है यहाँ पे, आप देखेंगे आवर्ली बेसिस पे देखेंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे 29,800 का आवर्ली बेसिस पे यहाँ पे आपको मिला, आपको 150 का मूविंग एवरेज है, तो वही सपोर्ट यहाँ पे वापस आपको आते हुए दिख रहा है, यहाँ पे मिल रहा है 29,800 पे एक सपोर्ट ले सकता है 1,64,000, और नहीं तो फिर 29,500 पे आपको 4,61,000 है वहाँ पे पोजीशन पे सपोर्ट लेते हुए आपको दिख सकता है। तो आप देखिए कि नीचे की ओर पुट की ओर पोजीशन बन रही है और कॉल में ऊपर की ओर शॉर्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पे बाइंग हो रही है और नीचे पुट पे सेल कॉल पे शॉर्ट किया जा रहा है। और अच्छा खासा लेवल आपको देखेंगे तो हर लेवल पे 31,000 पे, 30,600 पे अब हर लेवल पे इसको शॉर्ट किया जा रहा है, और 29,500 पे अनवाइंडिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं 29,500 तक हो सकता है आपको पोजीशन जाते हुए दिखे कॉल में। और 29,500 पे अभी कोई खास पोजीशन नहीं बन रही है, 30,200 पे जरूर शॉर्ट की पोजीशन बनी है। तो बैंक निफ्टी में हो सकता है एक रेंज माउंट में ये रहे और ये 29,500 से 30,500 की रेंज में आपको जाता हुआ दिखे। अगर मैं आपको बोलूँ 30 मई का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद की अगर एक बार एक्सपायरी बोलूँ, तो आप 30 मई के 30,000 के कॉल को या 30,500 का कॉल, दो में से एक, या तो 30,000 का पुट जो कि आपको 920 पे मिल रहा है, या 30,500 का पुट जो कि 1,185 पे मिल रहा है, ये दोनों पे वॉचलिस्ट रखें, और आपको 500-500 पॉइंट करके पुट की पोजीशन बनानी पड़ेगी। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपके रेट कम होनी चाहिए, और आपको 30 मई का है इसके लिए आपको ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के रूप में दे सकता है। और अगर 30,000 आपको ऊपर मार्केट जाता है और 700-750 पे मिलता है तो आपको जरूर यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। इनफैक्ट 30,000 का पुट 920 पे भी ल्यूक्रेटिव है, अच्छा लग रहा है, दिख रहा है, तो आप इसको पेपर ट्रेड करके देख सकते हैं। मेरा कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आपको कोई भी पोजीशन बनानी हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें, फिर मार्केट में पोजीशन बनाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।